इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो वली हैं, रोज़े क़यामत ना उनको हुज़न होगा, ना गम होगा, ना मलाल होगा। हज़रत शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह मराकश के शहर तंजा से उठे और अल्लाह के दीन की तबलीग करते हुए कराची पहुँचे और कराची से मुख्तलिफ़ शहरों का जो है वो जो है सफ़र करते हुए मुख्तलिफ़ जगह पर पड़ाव करते हुए आखिरकार पेशावर आए और यहाँ पर आके इस बस्ती को आबाद किया और लोगों को जो है तो फैज़याब किया। तो आज उनका जो है 300 साल हो गए हैं, 300वां उर्स मनाया जा रहा है, जश्न वरूद मसूद कहते हैं। जिस दिन वो यहाँ पर आए उस दिन से जो है तो उस दिन के हिसाब से यहाँ पर जश्न मनाया जाता है, यहाँ पर उर्स मनाया जाता है, मुख्तलिफ़ तकरीबात जो हैं वो हो रही हैं। तो आइए आपको उनकी झलकियाँ दिखाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग जो हैं तो मिल के बैठे हुए हैं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह के औलिया जो हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, शाह कबूल औलिया को याद कर रहे हैं। आइए और साथियों से दोस्तों से मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं इफ्तिखार अहमद पराचा उर्फ खान गुल पराचा हूँ जी। मैं इन्हों की खिदमत कर जी तकरीबन 5 साल आया कि मेरी वालदा वालद इन्हों की खिदमत कर दे, इतने मैं लैके आएंगी इन्हों के बड़े वालद साहब के पीर सैयद असद अली शाह साहब उन्हें खिदमत कार में हाजिर हुए हैं जी। इन्हों के जो कमालात हैं, जो कुछ मैंने देखे तो मेरे सिलाव जिन लोगों ने देखे जी वो मैं बयान करा तुम कह सवाल जी। एक दफ़ा का वाक्य जी, मैं बचपन तो इन्हों की खिदमत कार हाजिर आया तो खिदमत पे करना वा तो हूँ तक पे करना। मैं शुरू चो इन्हों देश का भी वरताना है खीर जिन्हों कहते हैं किशोरी दुबान घर इनको दुबान ही खीर कहते हैं। हर साल मैं देश का वरतान होना है जी। एक मरतबा इन्होंने आगे जी उन्होंने मेरे जवाब नहीं भेजा तो देश के दिन मनु चंद यार दोस्तों ने क्या कहना यार खान गुल के करने जाके उत्ते तेरे जवाब नहीं आया चला साढ़े घर देश का भी ये भी वो भी। मैंने कहा यार मैं जाना वरताना, कह रहा तू ना वरतास ना वरतासन। मैंने कहा नहीं मैं जाना, कहते नहीं। बहरहाल जबरदस्ती मनु लै गए जी। मैं कार शाम के टाइम गया तो वालदा मैंने कहें क्यों खान गुल आज तक जल्दी आ गया, क्योंकि मेरा तो उसी राति 9-10 बजे जाना है। मैंने कहा जी मैं तो गया नहीं। वालदा ने कहा अल्लाह खैर करेगी। दूसरे दिन मैं सुबह सवेरे उठा जी, दफ्तर गया वहाँ हाजिरी लगाई है किसी काम से बाहर निकला जी। पिछले उसी मनु ट्रक ने मारा दे यानी इतना कि खैबर बाजार ही मेरा दफ्तर है तो उसी LRI दे दरवाजे तक लै गए जी। जब मेरे कोलिका ने देखा उन्होंने कहा जी इफ्तिखार मारिए, डॉक्टर ने कहा ये सीरियस है नहीं बाईस आ गया। कार जवाब गए जी, कार वालदा मेरी रोंदी रोंदी आ गया जी उन्हें कदम चाहिए, कहते जी खान गुल हूँ इस खत्म हो गई, कहते जी कुछ भी नहीं गा ठीक ठाक। वो आ गया जी डॉक्टर ने जवाब दिता है मारदा भी, कहते जी कुछ भी नहीं गा जा तू चाह अस्पताल ही। अस्पताल के कार आई जी देख जाए डॉक्टर ने कह के सीरियस है ये दो होन ये तो जी जहनी तवाजन खो गई है या तीसरी जुबान जड़ी है जी दंदा तले आई है गुंगा हो गई है। अपने अल्लाह से यकीन करो जी शाम के टाइम जिस टाइम मैं होश आया तो डॉक्टर ने कहा जी मालूमात करो इसी के उन्होंने एक एक बंदे का पूछा हैरान देहरान हो गए यार ये खान गुल तो मतलब बैठते ही नहीं है देखी संगे। ये सारी कमालात जो कुछ है पीर मेरे बुजुर्गों दी है तो उन्होंने जी सिर्फ मनु सजा दी है। और इसी तरह कई ऐसे वाकियात है आगा जी होने के उन्होंने इन्हों की खिदमत में अभी तकरीबन 55 साल हो जी मैं इन्होंने खिदमत लगे हाँ तो खिदमत करना बगैर पूछे बगैर इतलाह दे आना सारे लंगर मैं तकसीम करना वा ग्यारहवीं शरीफ के उ जितना तबरक होता है मैं तकसीम करना वा और चूरी वगैरह देशा वगैरह होता है इन्हें मैं तकसीम करना इन्हों का खिदमतगार हाँ तो हूँ तक खिदमत कर रहा हूँ। साथियों मुजाहिद बिन सैयद गिलानी सज्जादा नशीन सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हम हाज़िर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि जश्न वरूद मसूद हज़रत शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह शुरू हो चुका है, इसके हवाले से आपसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, कुछ तफसीलात हमें बताइएगा कि जश्न जो है कितने दिन होता है और इसकी तकरीबात में क्या क्या होता है, ज़रा हमें हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा आगा। हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ हर साल मई के महीने में आखिरी जुमेरात जुम्मा और हफ्ता होता है। ये जुमेरात को हम इब्तदाइया और इफ्तिताइया प्रोग्राम करते हैं और जुम्मा और हफ्ता को बाकायदा प्रोग्राम होता है। जुम्मे के दिन जो कि प्रोग्राम होता है बाद असर ख़त्म गौसिया से शुरू होता है, नातख्वानी मिलाद शरीफ दरूद सलाम ज़िक्र इलाही का दौर जारी रहता है और उसके बाद दरगाह हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह में बाकायदा
चादरें चढ़ाई जाती हैं, चादर पोशी होती है, गुस्ल शरीफ पहले दिया जाता है, फिर दुआ होती है और उसके बाद फिर वापस आके आस्थान आलिया जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ पे आके प्रोग्राम का बाकी हिस्सा शुरू होता है जिसमें तकसीम लंगर और तकारीर का सिलसिला होता है और 10 बजे के करीब महफिल समा का प्रोग्राम होता है। कल हमारी महफिल समा में लाहौर से आए हुए फरियाद अली ख़ान कवार इंशाल्लाह ताला अपना कलाम पेश करेंगे, अपने अंदाज में पेश करेंगे और महफिल समा के बाद फजर की नमाज से अजान से पहले दुआ होती है और इंशाल्लाह इस तरह पहली तकरीब ख़त्म हो जाती है। हफ्ते के दिन भी इसी तरह का प्रोग्राम होता है और इतवार की सुबह फजर की अजान के साथ ही इख्तितामी दुआ हो जाती है। ये हमारा सारा प्रोग्राम होता है उर्स शरीफ का पेशावर में। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि शाकुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के माशाल्लाह जहाँ जहाँ आपने तबलीग के लिए कदम उठाए और जहाँ जहाँ आपने क़याम किया, जहाँ जहाँ आपने तबलीग की, वहाँ वहाँ जाके आज भी उसी तरह उर्स शरीफ के क़याम होता है, उर्स शरीफ का क़याम होता है, उर्स शरीफ का प्रोग्राम होता है, तबलीग के सिलसिले उसी तरह जारी रहते हैं। मानसर शरीफ में एक पूरा प्रोग्राम होता है उर्स शरीफ का और वहाँ पे ईद मिलादुन्नबी का, ग्यारहवीं शरीफ का, महफिल समा का। मानसर शरीफ में जो हमारा आस्थान आलिया है हुजूरी बाग में, वहाँ पे मस्जिद शरीफ है, वहाँ पे दाखले होते हैं नाजरा के लिए, नाजरा के अलावा हिफ्ज़ कुरान की क्लासें होती हैं, साथ लंगर शरीफ होता है जो 24 घंटे वहाँ पे अल्लाह के फजल करम से चलता है। वहाँ मेडिकल टीम्स इतवार के दिन आती हैं जो मुफ्त दवाएं भी देती हैं और मुफ्त उन कंसल्टेशन भी करती हैं पेशेंट्स का। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शाकुर अली रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत, उन्हीं की तोफ़ैल अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई और ये सिलसिला जारी और सारी है। इसी तरह मुल्तान में भी, इसी तरह कराची में भी। पिछले दिन में मैं कराची गया था पिछले महीने की 26 तारीख को, तो वहाँ हमारा प्रोग्राम कराची में था, वहाँ भी इसी तरह यही प्रोग्राम सारा हुआ था। उसके बाद झोंक शरीफ जो शाकुल रहमतुल्लाह अलैह के जहाँ पे पीर साहब वहाँ पे आखिरी क़याम गाहें उनकी हज़रत शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह, तो वो वहाँ पर बाकायदगी से जिन दिनों मैं गया था वहाँ पे उर्स शरीफ था, तो उसमें भी हमने शिरकत की और वहाँ भी एक अजीब पुरनूर कैफ और पुरकैफ समा होता है। वहाँ आप जाएँ तो देखेंगे हिंदू भी बैठे हुए हैं, मुसलमान भी बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर वो हिंदू हैं उनके मुरीद जो कि अपने आप को दफन करने की इजाज़त नहीं देते और जलाने की सारी इजाज़त नहीं देते, वो अपने आप को दफन करते। तो इस तरह ये सिलसिला सारे पाकिस्तान में शाकुल रहमतुल्लाह अलैह का फैला हुआ है और दुआएं कि सिलसिला आगे भी चलता रहे और इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से ये सिलसिला चलता रहेगा। कश्मीर में शाकुल रहमतुल्लाह अलैह की औलाद है, मैं चाहूँगा कि वो भी आपके सामने अपने ख्याल नजर अकीदत पेश करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सैयद इम्तियाज़ गिलानी साहब हैं, ये कश्मीर में सजादा नशीन है शाकुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के, इनसे भी बात करते हैं। दोस्तों सैयद शाकुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के एक और सजादा नशीन जो कि कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जी हम उनकी खिदमत में मौजूद हैं, उनसे कुछ तफसीलात जानते हैं कि कश्मीर में किस तरह की तकरीबात होती हैं और अकीदतमंद जो है तो अपनी अकीदत के फूल कैसे निचावर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल मुरसलीन अम्मा इबाद, फऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فقال الله تعالى في القرآن المجيد وتعصموا بخبل الله جميعا ولا تفرقوا جميعا। نہایتی قابل قدر میں آپ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ جہاں تشریف لائے اور حضرت سید شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو دینی خدمات جو انہوں نے آج سے تقریباً 350 سال قبل अपने वतन अज़ीज़ मराकश को तर्क करके बर सग़ीर में तशरीफ़ लाए और बर सग़ीर में मैं मुख्तसरन अर्ज करता चलूँ कि वो पेशावर से होते हुए उन्होंने कश्मीर का सफ़र इख्तियार किया और जहाँ जहाँ आज उनकी औलाद मौजूद है और उर्स शरीफ़ की, ग्यारहवीं शरीफ़ की और दीगर महफ़िल और दीन तबलीग का जो सिलसिला जारी है, ये जगह अज़ीज़ शाह कबूल औलिया ने अपनी हयात में अपने दौरे के दौरान इनको मार्कअप किया और जैसे कि
तारीख़ इस्लाम उठा के आप देखें तो बर्र सगीर के अंदर तबलीग़ दीन का जो सेहरा है वो दर हकीकत औलिया इकराम के सर है, उन्हीं औलिया इकराम में से अज़ीज़ शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर में इनकी औलाद का तल्लुक है, अज़ीज़ शाह कबूल औलिया के छोटे बेटे अज़ीज़ शाह अली अकबर साहब ज़िला जेहलम नदौल शरीफ में मकीम हुए और उनकी औलाद का सिलसिला वहाँ चल रहा है और सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात भी होती हैं, ग्यारहवीं शरीफ का प्रोग्राम भी होता है। और जिस तरह अज़ीज़ शाह कबूल औलिया की तालीमात जिस तरह उन्होंने दी उसी तरह वो औलाद आज दिन तक वो सिलसिला जारी और सारी रहा। इसी तरह दूसरे हमारे बुज़ुर्ग हैं हज़रत पीर मीर अली रज़ा शाह साहब जो अज़ीज़ शाह कबूल औलिया के पड़पोते हैं, वो तबलीग इस्लाम के सिलसिले में वो ज़िला जेहलम के एक पहाड़ी गांव जंडाली पीरा में तशरीफ़ ले गए और वहाँ भी सालाना उर्स मुबारक की तकरीब होती है। उनके बड़े अलकाए अकीदत है और लोग मेरे साथ भी आए हुए हैं और बेशुमार कश्मीर से यहाँ अज़ीज़ शाह कबूल औलिया की उर्स की तकरीबात में भी तशरीफ़ लाते हैं और वो सिलसिला जारी है। अब दूसरा जो उनके बेटे पीर जलालुद्दीन शाह साहब जो उसी तरह असम रवायत जिस तरह आबो अजदाद ने हजूर से लेके जो तबलीग का सेरा जिस तरह अहले बैत के सर पे रहा तो वो ज़िला बाग मौजा पामनूठी में ये तहसील आड़ीगल का एक गांव है यहाँ तशरीफ ले गए। इनका इसमें ग्रामी पीर जलालुद्दीन गिलानी है, उनका भी सालाना उर्स मुबारक गुज़श्ता माह अप्रैल में होता है, वह अभी हम करके आए हैं और वहाँ भी एक सिलसिला जारी है। उन्हीं की औलाद में से मेरे वालिद मोहतरम पीर सैयद नज़ीर अहमद शाह गिलानी उनका मज़ार मुकद्दस सिरमिला तहसील रावलाकोट ज़िला पुंछ में मुकीम है और वहाँ भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से यह दीन अशायद का सिलसिला जारी और सारी है। मैं चाहता हूँ जी कि आप मुख्तसरन ज़रा उनकी एकत करामत के हवाले से बताइए। अच्छा, ये चूँकि अज़ीज़ शाह कबूल से अगर मैं लूँ तो बड़ी लंबी बात होगी, लेकिन अज़ीज़ पीर मीर अली रज़ा साहब जब यहाँ से तशरीफ़ ले गए तो उनका सबसे पहले वहाँ उस दौर में ये महाराजा हरी सिंह की हुकूमत थी और वहाँ जो तसल्लत था ज़्यादा वो गैर मुस्लिम लोगों का था, तो उन्होंने सबसे पहले जो करामत वहाँ यहाँ हुई जब लोगों को ये चर्चा वहाँ पता चला कि ये यहाँ कोई बुज़ुर्ग आए हैं तो उन तमाम लोगों ने एक मुर्गा उनके सामने पेश किया कि हज़रत ये रोज़ाना आज़ान तो देता है लेकिन वाजह तौर पे आप अल्लाह की बारगाह में इस्तदा करें कि ये वाजह आज़ान दे तो अल्लाह के वलियों की करामत अल्लाह ताला उसी वक्त ज़ाहिर कर रहा होता है कि जब उनसे काम लेना होता है। तो वो एक मौजा कोपरा जगह है अंदरा शेरी के करीब है, तो उस मकाम पे राजा फतेह मोहम्मद खान जिनके पड़पोते मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ, उन्होंने ये सवाल पेश किया और वो उस मजमे में तो अज़र साहब ने जब दुआ फरमाई तो उस मुर्ग ने वाजे अजान दी और आज भी वो ज़्यारत मौजूद है और वहाँ से लोग ये बुखार और मवेशियों की बीमारी की बेशुमार मामलात और वो फ्यूज़ व बरकत से मुस्तफीज होते हैं। और फिर राज साहब ने ये कहा कि अज़र साहब ये खाने के लिए भी नहीं है और इसको छोड़ने के लिए भी नहीं है, दुआ फरमाएं कि ये इसको ज़मीन जगह दे दे। तो फिर हजरत ने जब दुआ फरमाई तो वो ज़मीन फट गई और वो मुर्गा ज़िंदा ही वहाँ दफन हो गया। आज भी वो मुर्गे की ज़्यारत मशहूर मारूफ है। ये पीर मीर अली रज़ा शाह साहब की वाजिया करामत और उस पूरे कश्मीर में इसका चर्चा है। पीर जलालुद्दीन शाह साहब जो उनके अकोते बेटे थे, ये जब पुंछ में गए तो महाराजा पुंछ ने ला औलाद था मोती सिंह, वो ला औलाद था, उसने उनकी बारगाह में जब ये सवाल पेश किया कि मैं मुझे औलाद नौरीनो कोई औलाद नहीं है तो उन्होंने रब तआला से दुआ की और उसके यहाँ नौरीना औलाद हुई और उस सिले में पामनूठी बतौर जागीर नजराना जागीर और उस लंगर खाने का सारा सरकारी खर्चा जब तक महाराजा की महाराजा पुंछ की हुकूमत कायम रही वो देता रहा। जी जी, तो
इससे आगे तो हमारे बुजुर्गों की जो बारी है तो बेशुमार करामात है उनकी, और अल्लाह के फजल करम से ये अज़ीज़ शाह कबूल औलिया का जलाया हुआ इस्लाम का ये चिराग आज दिन तक बर्रसगीर के कोने कोने पे जल रहा है अल्लाह के फजल करम। दोस्तों, हज़रत शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो फैज़ का चश्मा जारी किया था उससे आज भी जो है तो लोग सैराब हो रहे हैं और ज़रूरतमंद हाजतमंद आते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उनकी झोलियां भरता है। मेरी दुआ है जी कि अल्लाह ताला हम सबको भी उनकी बरकात व फयूज़ जो है वो हमारा भी हिस्सा करे, और अल्लाह ताला आपको भी जजाए खैर दे और इन बुज़ुर्गों का साया जो है हमारे सरों पर रखे और इसी तरह से ये बरकतें जारी और सारी रहें जी। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।